जिसने आग लगाई लंका हम जला डालेंगे। मैं उस दिन भी किसी से बता रहा था कि दोस्तों बड़ी सिंपल सी घटना है कि वो जब आपकी पूंछ लंबी होगी तो लोगों को तकलीफ होगी, और नेस्विस की पूंछ दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन, अब जब पूंछ लंबी होगी तो रावण को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। अब तकलीफ का उपाय क्या ढूंढा रावण ने? कहते हैं रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद जब बहुत तकलीफ हो गई, उसको पूंछ से बड़ी तकलीफ हो गई, तो उन्होंने हनुमान जी को मारने का योजना बनाया। और योजना बनाने के बाद कहते हैं चार सेनाएं भेजी, ये बता रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि ये पूंछ किसी का बाप रोक नहीं सकता आने वाले समय में। चार सेनाएं भेजी रावण ने हनुमान जी की पूंछ से तंग होकर कि बंदर को मारो, ये तकलीफ दे रहा है। चार सेनाएं घुड़सवार, रथ सवार, पैदल, हाथी सवार, चार सेनाएं घुड़सवार, रथ सवार, पैदल और हाथी सवार। और जैसे ही हनुमान जी के सामने आई, मैं उस दिन भी किसी को सुना रहा था, हनुमान जी ने सारी साफ कर दी। अब हनुमान जी ने जब सारी साफ करी तो रावण के गुप्तचर रावण के पास पहुंचे कि महाराज कांड हो गया। बोला क्या हुआ? बोला सेनाएं साफ। रावण ने बोला बंदर कहां है? बोला बंदर वहीं है। तो हम ये बंदर हैं, हम यही हैं, हम यही हैं। रावण ने बोला तुम पागल लोग हो। अपने गुप्तचर को बोला तुम पागल हो, तुम्हें युद्ध करना नहीं आता, तुम पीछे से अटैक करो, इसको पर मंथ कुछ दो, इसको 6 महीने तक कुछ दो, तुम पीछे से अटैक करो, चोर युद्ध करो, चोर युद्ध, अपने केबन में बुला के ऑफर दो, चोर युद्ध करो, पीछे से आओ। तो गुप्तचर बोले महाराज उस बंदर के सामने खड़ा होना मुश्किल है। तो रावण ने बोला पीछे क्यों नहीं जाते? तो उसने बोला महाराज आगे वाले तो कुछ देर रुके भी सही, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं। रावण ने बोला पीछे क्या है? बोला आपको बुरा लगेगा बता हम देते हैं। रावण ने बोला बताओ। बोले पीछे पूछ। रावण ने बोला पूछ की बात मुझसे मत करो। अब जब बहुत तकलीफ होगी तो कहते हैं रावण ने आखिरी बार अमर सेना भेजी। अमर सेना जो अमर थी, मरी नहीं सकती थी। ब्लैंक चेक दिया लीडर को, तू लिख ले जो तेरा मन करे, मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो से बात साली पहुंचनी चाहिए वहां तक। तो अमर सेना भेजी हनुमान जी को। किसी ने कहा कि महाराज बड़ी तकलीफ है, कल अमर सेना आ रही है, मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने बोला आने दो, हम भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लाएंगे। मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो बोला आने दो, कल बताऊंगा। राम जी ने बोला हनुमान करोगे क्या? अमर सेना तो मरेंगे नहीं ना ये लोग तो, और आपके इर्द गिर्द भी कुछ लोग होंगे जो मरेंगे नहीं, टू 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 करते रहेंगे आपकी जिंदगी में। अब कल अमर सेना आई, हनुमान जी को लगा अब तो मरेंगे नहीं, तो हनुमान जी ने पूंछ लंबी करी, कह रहे हैं सारी अमर सेना को लपेटा और पूरी शक्ति से जब फेंका तो गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले गए। अब रावण के गुप्तचर रावण के पास जाके बोलते हैं, रावण ने बोला संदेश क्या है, सेना कहां है? बोला महाराज जाति देखी थी, आती नहीं देखी। तो यहां भी कुछ अमर सेना है जो हमने जाति तो देखी है, आती नहीं देखेंगे उनको। तो रावण ने बोला बंदर कहां है? बोले बंदर वहीं है। अब रावण का जब बस नहीं चला तो आखिरी में खुद आ गया। मेरे पास भी कुछ रावण के SMS आते हैं, बोलो तो दिखा दूं यहां पे। चलो रहने दो, छोड़ो, इतनी भी किसी की नहीं लेनी चाहिए ओपनली। रावण खुद आया, हनुमान जी एक शिला पे बैठे थे, खुद प्रपोजल देने आया, 5 करोड़ ले लो। मतलब पैसा नहीं दिया होगा, आप समझ रहे हो। तो जिस शिला पे बैठे थे, रावण को तकलीफ थी हनुमान जी की पूंछ से, उसने कहा पूंछ ही उखाड़ दे आज, और लगा पूंछ उखाड़ने, 10 भुजाओं की ताकत लगाई पूंछ उखाड़ने में। अब हनुमान जी को लगा कुछ हरकत हो रही है, मुड़े देखा रावण, और लड़े नहीं बस उड़े।
अब जब वो उड़े तो उसने तो पूंछ पकड़ी थी, ये भी संगे संगे उड़ा। अब जब संगे संगे उड़ा तो लटक ही गया। पहले तो उखाड़ने आया था, फिर हाथ जोड़ के बोलने लगा, हे शंकर भगवान ये उखड़ी न जाए। क्योंकि अगर उखड़ गई तो कहां से गिरूंगा और कहां जाऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि नेस्विस की पूंछ जिसने उखाड़ने की कोशिश करी तो पूंछ नहीं उखड़ेगी, हम उड़ेंगे सर, हम उड़ेंगे सर। मेरी आप सबसे एक ही बात से मैं बात को विराम देना चाहता हूं। 18-19 साल पुराना ये प्लेटफॉर्म है, कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को 18 साल 19 साल तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये एक सिस्टम है जो आपके लिए काम कर रहा है, ये एक जेन्युइन 100% ऑथेंटिक प्रूवन सिस्टम है जो आपके लिए काम कर रहा है। बस टिक के करना है यार, टिक के 5 साल करना है इस बिजनेस में, और आप देखना आपका जिंदगी किस मकाम तक पहुंचता है, आप देखना आपका जिंदगी किस लेवल पर होगा। और जितने लोग यहां चेयर्स पे बैठे हैं, वहां बैठे हैं और यहां बैठे हैं, मेरी दिल से इच्छा है कि 2020 का जब हम प्रोग्राम करें तो आप सब लोग नीचे बैठे, हम सारे क्राउन मेजर वहां पीछे बैठ के आपके लिए तालियां बजा रहे हूं, वहां सारे पीछे बैठ के आपके लिए तालियां बजा रहे हूं। ऐसी मेहनत करिए, अगले 2 साल 3 साल 5 साल अपने आप को रमा दीजिए इस बिजनेस के अंदर, ये मौके बार बार नहीं आएंगे। और त्रिवेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि शर्म आती है तब जब पैसे नहीं होते और घर जाते हैं, अब मौका है उस शर्म को दूर करने का। मैं आप सब साथियों का धन्यवाद देता हूं जो इस सफर में मेरे साथ यहां तक आए, इस 14-15 साल की जर्नी में मेरे साथ रहे, और जिन जिन को चेक मिला उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके पास ये चेक है वो दिखाइए पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में कि यस दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन अर्न, आप पैसा कमा सकते हैं। ये चेक पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। और संतोष सर ने जो कहा अगले साल का टर्नओवर डबल हो, मैं कहता हूं 10 गुना क्यों नहीं होना चाहिए, 10 times। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जितने लोग बैठे हैं देखो 5000 लोग हैं यार, अगले साल को मारो गोली, अगले हफ्ते अगर 2-2 फ्रंट लाइन खोलें, अगले हफ्ते अगर आप 2 फ्रंट लाइन खोलने का प्रण लें आज, तो 10,000 सेल्स होती हैं सर। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है सर। एक हफ्ते का टारगेट लीजिए, 2 सेल लगाइए, 10,000 सेल हो सकती हैं, खेल बड़ा हो सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आप सब दोस्तों को, बहुत बड़ा होने वाला है अगले साल 2 साल 5 साल के अंदर। साथ रहिए और 7 पैसा कमाइए और अपने मां बाप की भरपूर सेवा करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू नेस्विस रिटेल्स, थैंक यू संतोष सर, थैंक यू संजय सर, त्रिवेश, राजपाल जी, संदीप, गौरव, बीएम शर्मा, शोकेश, मनोज जी, इतने पुराने पुराने साथी हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पीएल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। दीपक कौल, राहुल अखाड़े, मनदीप सिंह रत्रा, पंकज कोहली, किसी का नाम निकल गया हो तो भैया बाद में मुझे कूट लेना, मेरी मंशा है आप सबका धन्यवाद हूं। और सब धन्यवाद उन लोगों का जो बाहर खड़े हैं अपने सपनों को लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।